नमस्कार, मेरे पीछे आपको एक बैनर दिखाई दे रहा है। बैनर पर लिखा हुआ है, मतलब मेवाड़ की एक बड़ी जो सदा से एक पंक्ति चली आई है, जिस पंक्ति के आसपास मेवाड़ ने प्रगति की है, जो दृढ़ राखे धर्म की ताही राखे करतार। आज ये पंक्ति यहाँ लिखी गई है, आज ये मंच यहाँ सजाया गया है और ये तमाम कवायदे हो रही है राजसमंद जिले के खमनौर कस्बे में। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कुछ दिनों पहले एक समुदाय विशेष के युवा के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी का लगातार विरोध हुआ, मामला पुलिस के जांच पड़ताल के दायरे में पहुंचा, बताया जा रहा है। उस वक्त पुलिस ने 151 की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की। अगले दिन युवा छूट गया, मगर एक कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यहां लगातार लोग आक्रोशित होते रहे, नाराज दिखाई दिए। आज वो आक्रोश खमनौर के मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर दिखाई दिया, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जुटे। संत सानिध्य इस मंच को मिला और इस मंच से फिर एक स्वर में, एक मत में सिर्फ और सिर्फ ये आवाज़ उठाई गई कि आगे आने वाले जो ये समय में जल्द से जल्द इन तमाम चीज़ों पर नियंत्रण किया जाए, ये चीज़ें दोहराई ना जाए। और इन तमाम मांगों के बीच में सबसे बड़ी मांग कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चला है, उस प्रकरण में एक जो आज पूरा जो सबसे ज़्यादा गूंजा है, मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ, ये नारे लगातार गूंजे हैं और खमनौर के सर्व हिंदू समाज मेवाड़वासी, इनके माध्यम से ये पूरा का पूरा आज का ये कार्यक्रम यहाँ संचालित किया गया। अलग अलग संगठन इसमें जुड़े हैं और जैसे जैसे ये पूरा का पूरा आयोजन आगे बढ़ा, ये विरोध आगे बढ़ा, जब मंच से आवाज़ें मुखर हुई तो वो आवाज़ फिर पुलिस और प्रशासन के कानों तक भी पहुँची। परिस्थितियों और स्थितियों को संभालने के लिए उनकी तरफ से भी कवायदें शुरू हुई। क्षेत्र के तहसीलदार मौके पर पहुँचे, क्षेत्र के थानाधिकारी मौके पर पहुँचे और यहाँ समझाइश की कोशिशें शुरू हुई। समझाइश की कोशिशों के दौरान पुलिस ने बताया कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है, हमारी तरफ से लगातार कानूनी प्रक्रियाएँ जारी है। तो साथ ही जो यहाँ तमाम लोग बैठे हुए थे कुछ अलग अलग मांगों को लेकर, उन सभी मांगों को प्रशासन के सामने बड़ी मुखरता से रखा गया, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो युवा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में कुछ अवैध मजार पनपने की भी खबरें निकल कर आ रही है, उनको लेकर भी कहा गया है कि अब उन पर भी नियंत्रण किया जाए, उनको हटाया जाए। उसको लेकर इसी मंच से क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। तमाम मांगों को सुनने के बाद प्रशासन ने भी यहाँ एक आश्वासन दिया गया है कि हम 3 दिन में पूरी जांच करेंगे, आरोपी को पकड़ लिया गया है, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और साथ ही क्योंकि कुछ चीज़ें जो पुरातत्व से जुड़ी हुई है, तो वहाँ जो ASI के नियंत्रण में आती है, तो कहा गया है कि उनके माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि उस विभाग का साथ लेते हुए चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 दिन का अल्टीमेटम आखिर कहाँ जाकर थमता है, कहाँ जाकर ठहरता है और आखिर ये चीज़ें किस प्रकार से निस्तारित होती है। मगर आज खमनौर गहमा गहमी वाला एक दिन रहा। खमनौर में आक्रोश, नाराज़गी, नारेबाजी, विरोध, वार्ता, आश्वासन, सब कुछ दिखाई दिया गया। हालांकि आश्वासन के बाद अब सहमति हो चुकी है, सभा समाप्त हो चुकी है, लोग बिखर चुके हैं, गणमान्य अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं, मगर अभी भी हल्के हल्के छोटे छोटे ग्रुप में कहीं ना कहीं ये बातें लगातार जारी है कि आगे आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठेगा। मेवाड़ के मुख्य क्षेत्र पर पड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशील मानते हुए तुरंत इस पर FIR करवाने की कार्रवाई कर दी और तुरंत 151 में ऐसे व्यक्ति को हमने तुरंत पाबंद करने की कोशिश भी की। उससे देखिए, एक कानूनी पक्ष है, आप यहाँ वकील साहब सारे खड़े हैं, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में 2 सजाएं नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति पर FIR हो गई थी और वो एक रात उसको पुलिस थाने में रखा गया था, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प था और उसने अनुभिक्षा ले ली थी, सबसे बड़ी बात। फिर भी आज भी मेरी जो मेरे काउंटर पार्ट है थाना अधिकारी जी, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने जो अभियुक्त है उसको डिटेन कर लिया है और उसके खिलाफ कानून जिस तरीके से परिभाषित करता है वैसे कार्रवाई होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आप सबको। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सारी चीजें, ऐसी जो चीजें की जा रही हैं जिससे समाज में व्याप्त शांति व्यवस्था अगर टूटती है, तो मैं एज ए तहसीलदार, एज ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई व्यक्ति अगर ऐसा नॉइसेंस फैलाएगा तो वो व्यक्ति डिटेन किया जाएगा और हम ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि दोबारा कोई इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। दूसरा, ये अनुसंधान बिल्कुल, यस,
ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस की कार्रवाई में अनुसंधान होगा। इसके साथ में ये जो अभियुक्त है इसका साथ देने वाले जो भी सारे लोग हैं उन सबके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होगी, कोई इसमें डाउट नहीं। दूसरा जो आपका मुद्दा है रक्त तलाई के बारे में आप सभी को ध्यान है कि वो एक पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र है, ASI के अंडर में आता है। अगर उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी होती है तो प्राथमिक तौर पर जो पुरातात्विक विभाग है वो हमें उसकी रिपोर्ट करता है लिखित में, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसी लिखित रिपोर्ट आज दिनांक से पहले नहीं आई कि वहां पर कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कानून बिना रिपोर्ट के या बिना जानकारी के सीधे कार्रवाई करने में ऐसे एरिया में जो दूसरे डिपार्टमेंट के संरक्षण में नहीं कर सकता है। लेकिन आज चूंकि आप सबने रिपोर्ट दी है तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर इसका सर्वे करवा दूंगा मेरे पटवारी के थ्रू, और इसमें ASI के अधिकारियों को भी हम लिखकर उनसे बुलाकर उनसे लिखित में रिपोर्ट लेकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में सूचित करेंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी, ऐसी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप सबने बहुत शांति से इस धरने में सहयोग दिया है, एक संवेदनशील विषय को समाज के सामने रखा है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रशासन के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन है कि सारे सबूत है, ये सारे सबूत और सारे एविडेंस होंगे तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है। आपने कहा एविडेंस का काम पुलिस का है तो आपका मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रशासन के जरिए, इससे बड़ा सबूत इससे बड़ा एविडेंस कुछ हो ही नहीं सकता, तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने क्या कहा आज दिनांक से पहले मेरे पास इस बात की रिपोर्ट नहीं है, अगर आ गई होती आप बताइए मेरे कार्यालय में कोई रिपोर्ट लेकर आया हो आपके किसी गांव से और मैंने अगर उसे रिस्पांस नहीं दिया हो तो बात बता। मैं सर आप गूगल में देख लो, अगर वहाँ पहले मजा थी 6 महीने पहले हम भी बोलेंगे, तो 6 महीने पहले मजा नहीं करा शुरू होने सर वहाँ का घटना होगा। देखिए आपको तो गूगल 10 साल 5 साल मैं आपको कह रहा हूँ हम उसकी पूरी रिपोर्टिंग करवाएंगे, अगर वो ऐसा एरिया के बाहर है किसी की खातेदारी में भी है तो भी हम कहेंगे। रही बात गूगल मैप की तो गूगल मैप एज एविडेंस हम उसको पत्रावली पर नहीं रख सकते हैं, IT एक्ट में वो अलाउ नहीं है, सभी लोग जानते हैं यहाँ लीगल है। हाँ हमारे हाँ उसको मानेंगे मैं तो यही कह रहा हूँ, हम हमारा जो रेवेन्यू का नक्शा है उस रेवेन्यू के नक्शे में अगर कोई इंक्रोचमेंट है कोई अवैध गतिविधि है तो हम उसको ऑन रिकॉर्ड लेंगे। मेरा ये कहना है अभी आपका सर्वे हुआ है सेटलमेंट से लेकर अभी तक के आपके सामने ऑन रिकॉर्ड आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको आप मानो गूगल को मत मानो, लेकिन जो आपका रिकॉर्ड है उसको तो आप मानोगे, और उस टाइम अगर कोई नहीं दी और अब बनी है उसको आपको हटाना पड़ेगा सीमा। मैं कह रहा हूँ ना अगर वो खातेदारी में है तो जो प्रोविजन है उस हिसाब से हटाएंगे, अगर वो संरक्षित एरिया में है तो वो हम हटाएंगे। वहां तीसरी बात वहां कोई अगर ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो बिना बगैर लाइसेंस के काम कर रहा है इसको भी प्रसंज्ञान में हम लेंगे पुलिस कार्रवाई के थ्रू या ASI के थ्रू हम उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे। मीडिया के बंधु नोट करें, श्रीमान तहसीलदार साहब ने कहा कि हमारा जो ASI का जो सर्वे है उसको हम मानेंगे, ये बात आप मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि इस पूरी सभा में श्रीमान ने खुद ने कहा कि ASI वाला सर्वे उसको मानेंगे, ये बहुत बड़ी बात। 3 दिन में कौन गलत बैठा हुआ है कौन सही बैठा हुआ है ये हम डिसाइड कर देंगे। लोग आग्रह है नए मुर्दे नहीं गाड़े जावे वहां पे तलाई के बीचों बीच कब्रिस्तान डेवलप कर रखा है और वहां वक्र बोर्ड का एक बोर्ड भी इशाक मोहम्मद द्वारा लगाया है, जो भी हुआ पूर्व में जिसने गाड़े वो
उनको नहीं उखाड़े या उखाड़े, अभी प्रशासन का काम है। मैं तो कहूँ उसके ऊपर रोलर फेर दो, परंतु अब जो नया फकीर मरे, माना कि ऐसा मोहम्मदी हजार वर्ष करके मालिक के पास जाए तो उस रक्त तले में उसको मिट्टी नहीं मिले, जहाँ राजपूतों का खून बहा, इस सर्व जाति का खून बहा। सम्मान उनको अलग जगह जमीन दे सकते हैं, हमारे प्रधान साहब ने भी घोषणा की है उनको अलग जमीन देने के लिए तैयार है, पर रक्त तले के अंदर फकीर को नहीं गाड़ने देंगे। जहां राजपूतों का खून बहा, ये जो अंतिम विषय आपने कब्रिस्तान के बारे में उठाया है, इस पर भी हमारे जो विकास एजेंसी है, प्रधान साहब और बीडीओ साहब, इनसे चर्चा करके